नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपनों को ख्याल रख, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आजकल चल क्या रो है? क्या चल रो है? अब तक तो बाहर बाहर सुनने में आ रही कि सरकार के बड़े बड़े सांसद कछु भी बोल दे, कछु भी बोल दे, छोटे से लेकर बड़े तक, जो कछु उनके मुंह में आया और बोल दियो। अब तो लोकसभा में भी न चूक रहे, अब तो लोकसभा में भी जो दिमाग में आ रहा और जो जी में आ रही है उल्टी सीधी वही कह रहे हैं। और वापकाई बड़े नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, कोई माफीनामा नहीं आ रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी खाली एक चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। रमेश विधूड़ी, कांग्रेस बीजेपी के सांसद, पश्चिम दिल्ली के बीजेपी के सांसद, बड़े नेता हैं। और वो लोकसभा में दानिश अली, बहुजन समाज पार्टी के सांसद, उनको जो कछु भी मन में आई है उल्टी सीधी, मतलब कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है, कोई चीज नहीं छोड़ी, मतलब बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली हरकत। ज्यादा ज्यादा वैसे तो लोकतंत्र को मंदिर है वो, लेकिन मंदिर में ऐसे जानवर जन कहां थे घुस गए नहीं पता ना पड़ रही है। इन जानवर ने तो कहां होना चाहिए, कतई खूंटा पर होना चाहिए, खूंटा पर ही होना चाहिए जानवर को, लेकिन ये जानवर मंदिर में घुस गए, लोकतंत्र के मंदिर में। और वहां एक चुने हुए सांसद को जो अपने यहाँ की जनता को प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वाह के नहीं आया या तरह की जुबान को इस्तेमाल, छी छी छी, बहुत ही बुरी बात है। खूब विरोध है, पूरे देश में चल रही है चर्चा। अगर यह घटना में और कोई हो तो बीजेपी के सांसद की जगह, तो अब तक इतना लंबो फर्रा बन के हमेशा को बर्खास्त कर दिए गए हो तो। और मीडिया दिन रात तोता की तरह वो वही पे बात कर रही होती, मुर्गा लड़ा रही होती, दगा दग दगा दग दगा दग दगा दग, लेकिन वापे कोई चू नहीं बोल लो, क्यों ना बोल लो, क्यों? क्योंकि वो तो गोदी मीडिया है, उनको ही मीडिया है, उनकी ही सरकार है, उनको ही सांसद है, कछु भी बोल दे। वाने आप बताओ, वाने कोई कमी छोड़ी है? कोई कमी नहीं छोड़ी, काई तरीका से कोई कमी नहीं छोड़ी। और देश की तो बात छोड़ो, पूरी दुनिया में मार थू थू है रही है, बहुत बदनामी है रही है पूरे देश की। लेकिन इन पर कोई कान पर जू नहीं चल रही। वैसे बात कितनी बड़ी बड़ी, बातें बहुत ऊंची ऊंची, लेकिन कछू ना, कान पर जू ना है, कैसी भी कोई कार्रवाई ना है। और अगर ऐसे कार्रवाई नहीं होगी तो या तो क्या संदेश जा रहा है? पर संदेश का छू भी जाओ, इन पे क्या फर्क पड़ रहा? गोदी मीडिया तो है, इन पे प्रचार प्रसार के नहीं है, वो लग जाएंगे फिर काई पे और काई चीज पे भोपू बजाने को लग जाएंगे। लेकिन लोग यह चीज को समझ रहे हैं, पूरी तरीके से समझ रहे हैं कि देश में चल क्या रो है और है क्या रो है। और अगर ऐसे ही चलते रहो तो काई की आवाज क्यों नहीं उठन देंगे, काई ये ना बोलन देंगे, सबकी बोलती बंद कर देंगे। बताओ, एक चुने हुए सांसद हो या तरीका दे, कोई ऐसा शब्द ना छोड़ो जो बात ना कही हो, बाकी नहीं है। हर तरीका दे बुरे अल्फाज, बुरे दे बुरी बात कही है। हालांकि जितने भी विपक्षी दल हैं सब ने यह चीज की खोर निंदा करी है और मांग करी है कि तुरंत वो सस्पेंड होना चाहिए और बाकी ऊपर मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नाम की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन हाँ, पब्लिक में एक मैसेज जरूर जा रहा है, और आने वाले समय में और तो कोई दे या ना दे, लेकिन जनता जरूर जवाब देगी, और जनता के ही हाथ में है, अब काई के हाथ में ना है। और अगर अब कह चुक गए तो फिर गई भैंस पानी में, फिर ना कोई लेने वारो और देने वारो, और कोई सुनने वारो और कोई सुनाने वारो, फिर तो जो कछु कर दियो वो सही। हालांकि अब भी ऐसे ही है रो, लेकिन फिर तो एक छत्र राज है जरूर। तो हमने सोची भैया पे वीडियो बनाना बहुत ज्यादा अति आवश्यक है, यहाँ पे वीडियो जरूर बनना चाहिए। और आपकी जिम्मेवारी है कि दानिश अली की
यह खबर को लोगों तक, जन जन तक और समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आपकी है। मैं अपना काम सिद्धत्य कर रहा हूं, आप अपना काम सिद्धत्य करो। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है देसी ब्रेक, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।